हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनसुतार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेली या बीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली और प्रोफेशनल तरीके से अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है और किसी भी इंस्टीट्यूट या टेली सेंटर पर आपको टेली किस तरीके से सिखाई जाती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रेजेंट टाइम में टेली सीख रहे हैं या अभी टेली या कोई भी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने का मन बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपको ये मालूम होएगा कि आप जिस सेंटर पे टेली सीख रहे हो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली रूप से सिखाया जा रहा है या केवल आपके साथ टाइम पास हो रहा है। तो आज की इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो एक अकाउंट्स और टेली के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे डिसलाइक भी कर देना। तो फ्रेंड्स, शुरू कर दें आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी प्रेजेंट टाइम में टेली सीख रहे हैं, और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी जो स्टूडेंट्स अभी टेली या कोई अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने का कोई मन बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी सेंटर में जब एडमिशन लिया तो आपको कैसे पता चलेगा भी वो इंस्टीट्यूट हमें प्रैक्टिकली रूप से अकाउंटिंग सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है। तो आज आपको मैं ये जो टिप्स बताने वाला हूँ, अगर वो टिप्स आपके साथ फॉलो हो रही है तो इसका मतलब प्रैक्टिकली अकाउंटिंग आप सीख रहे हो, अदरवाइज आप नहीं सीख रहे हो। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिस दिन भी आपने जिस इंस्टीट्यूट पे या जिस सेंटर पे आपने टेली कोर्स के लिए या अकाउंटिंग कोर्स के लिए आपने एडमिशन लिया है, तो क्या उस सेंटर वालों ने आपको टेली या कोई अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिखाने से पहले 10 या 15 दिन पहले आपको मैनुअल रूप से अकाउंटिंग सिखाई है या नहीं सिखाई। मैनुअल रूप से अकाउंटिंग का मतलब भी आपको डेबिट और क्रेडिट का नॉलेज अच्छी तरीके से दिया या नहीं दिया, आपको रियल बिजनेस में कौन कौन से अकाउंटिंग वाउचर यूज होते हैं वो आपको बताया गया है नहीं बताया गया, वो अकाउंटिंग वाउचर बनते कैसे हैं, परचेज वाउचर्स की क्या पहचान होती है, सेल वाउचर की क्या पहचान होती है, पेमेंट वाउचर कैसे बनते हैं, रिसिप्ट वाउचर कैसे बनते हैं, क्रेडिट नोट कब इशू करना होता है, डेबिट नोट कब इशू करना होता है, किस कंडीशन में करना होता है। तो ये सब कुछ अगर आपको टेक्निकल तरीके से प्रैक्टिकली रूप से अगर आपको बताई गई है और आपने खुद अपने हाथों से इनको करके भी देखा है तो इसका मतलब उस सेंटर पे आपको प्रैक्टिकली रूप से अकाउंटिंग सीखने को मिल रहा है। यानी कि आप अकाउंटिंग वाउचर को देख के आप इसमें से क्या डेबिट होएगा क्या क्रेडिट होएगा आप कैसे तय करोगे, कैसे उसके डे बुक तैयार होएगी, डे बुक के आधार पे आपके लेजर आप कैसे बनाओगे, लेजर के आधार पे आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओगे, ट्रायल बैलेंस के आधार पे आप अपनी बुक्स की फाइनलाइजेशन कैसे करोगे, ये सब कुछ अगर आपने हाथों से अपने मैनुअली रूप से प्रैक्टिकली रूप से आपने किया है तो इसका मतलब आप अच्छी तरीके से अकाउंटिंग सीख जाओगे। अगर आपने जिस दिन किसी सेंटर पे एडमिशन लिया है और उसी दिन आपको टेली पे बिठा दिया गया, यानी कि टेली की आपके एक बुक्स दे दी गई, आप बुक्स के आधार पे आप टेली में कंपनी क्रिएट करना सीखो, बुक्स के आधार पे आप लेजर क्रिएट करना सीखो या बुक्स के आधार पे आप स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखो, तो इसका मतलब अगर आपको इस तरीके से अगर आप टेली सीख रहे हो तो इसका मतलब आपके साथ केवल टाइम पास हो रहा है, आपको कोई भी प्रैक्टिकली रूप से वहाँ पे सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने मैनुअल रूप से अकाउंटिंग आपने 10 या 15 दिनों तक अच्छी प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करी है तो, और फर्स्ट डे जी आपने टेली या कोई बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने सीखना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपका टाइम और मनी दोनों ही वेस्टेज हो रहे हैं। हमें अकाउंट्स की अच्छी जॉब के लिए हमारे पास प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होना जरूरी है, न कि कोई किताबी नॉलेज होना जरूरी है। आपका सर्टिफिकेट कोई काम नहीं आएगा, आपका प्रैक्टिकली नॉलेज आपको अच्छी जॉब दिलाएगा। और ये आज आपको मैं टेली में भी प्रैक्टिकली रूप से ये चीज़ बताऊंगा भी रियल बिजनेस में प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल तरीके से अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है, किस तरीके से वहाँ पे लेजर क्रिएट किए जाते हैं, और जो सेंटर पे आपको जो टेली सिखाई जाती है बिना किसी रियल वाउचर्स के साथ, यानी कि बिना किसी वाउचर की प्रैक्टिस के साथ डायरेक्टली आपको टेली सिखाना शुरू कर देते हैं किसी किताब को देख के या किसी नोट्स को देख के, तो वहाँ पे आपको किस तरीके से टेली सिखाई जाती है, तो आप दोनों में खुद अंदाज़ा लगा के आप हमें कमेंट करके बताना भी दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारी टेली स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हमने टेली में दो अलग अलग कंपनीज क्रिएट कर रखी है, एक में रियल बिजनेस में प्रोफेशनल तरीके से अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होती है, जो सेंटर पे आप लोगों को टेली सिखाई जाती है वहाँ पे आपको किस तरीके से लेजर क्रिएट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों में सेम अकाउंटिंग वाउचर मेंटेन किए हुए हैं, दोनों में सेम हमारा रिकॉर्ड मेंटेन बराबर आ रहा है, लेकिन जो लेजर्स के जो डिफरेंस है, लेजर क्रिएट करने के जो डिफरेंस आ रहे हैं वो आपको मैं बताऊँगा।
तो एक हमारे सामने कंपनी है स्मार्ट काउंटिंग आरसनार की। इस कंपनी में हमने जो सेंटर पे केवल टेली सिखाते हैं वहाँ पे किस तरीके से लेज़र मेंटेन करते हैं वो हमने क्रिएट कर रखे हैं। और जो सेकंड कंपनी हमारे सामने है श्री श्याम ट्रेडर्स की, इस कंपनी में प्रोफेशनल तरीके से प्रैक्टिकली रूप से अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की करी जाती है वो इसमें बताया गया है। तो दोनों में आपको कंपैरिजन मैं पहले दिखा देता हूँ क्या कंपैरिजन है। तो सबसे पहले कंपैरिजन देखने के लिए हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। हम दोनों कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा श्री श्याम ट्रेडर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हो जो हमारी सेल की अमाउंट है 40,777.57 रुपये की है और जो हमारी परचेज आ रही है वो आ रही है 93,382.04 रुपये की। अगर हम इसको फुल डिटेल के साथ अगर देखें, हम एल्ट F1 करेंगे तो हमारी इस तरीके से प्रैक्टिकली रूप से जो अकाउंटिंग मेंटेन में जो लेज़र क्रिएट होते हैं वो इस तरीके के क्रिएट होते हैं। क्योंकि इस ट्रेडिंग अकाउंट को देख के जो टैक्स के प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इसमें देख के बता देंगे भी इस बिज़नेस में कितने टाइप की कमोडिटी यूज होती है, यानी कि किस टाइप का ट्रेड इसमें होता है। अगर ट्रेड की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे सामने कॉस्मेटिक गुड्स के भी हम परचेज सेल करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स को भी हम सेल परचेज करते हैं, किराना गुड्स को भी हम परचेज सेल करते हैं, यानी कि हम तीन टाइप की कमोडिटी परचेज करते हैं और तीन टाइप की कमोडिटी हम सेल करते हैं। और हमने इसमें परसेंटेज वाइज भी लेज़र अलग अलग क्रिएट कर रखे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास GST इलेक्ट्रिकल गुड्स है, इसमें हमारा 12% का भी परचेज है और कॉस्मेटिक में भी 12% हो सकता है, हमारा किराना गुड्स में भी 12% हो सकता है। अब इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी हमारी 18% की परचेज है, कॉस्मेटिक में भी 18% की है, हमारे किराना गुड्स या अदर किसी भी कॉमोडिटीज़ के 18% भी हो सकते हैं। लेकिन हमने कॉमोडिटीज़ वाइज फुल डिटेल के साथ हमने पूरे लेज़र क्रिएट किए हैं सेल और परचेज के दोनों के ही। और आपको जो सेकंड आप कंपनी है वो ओपन करके दिखाता हूँ और इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करते हैं। तो दोनों में सेम फिगर हमारी आ रही है, इसके अंदर भी हमारी जो सेल की अमाउंट है 40,777.57 रुपये है और जो परचेज की जो अमाउंट है हमारी 93,382.04 रुपये आ रही है, वही हमारी रियल बिजनेस के प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में भी आ रही थी। लेकिन इसके अगर हम फुल डिटेल के साथ अगर इसके लेज़र ओपन करें तो आपको लेज़र इस टाइप के देखने को मिलेंगे। इसमें केवल आपको इतना पता चल रहा है कि हमारी 12% की परचेज इतनी है, 18% की परचेज इतनी है, 5% की परचेज इतनी है और टैक्स फ्री की परचेज इतनी है। और सेल अगर आप देखोगे तो यही आपको सेल में देखने को मिलेगा, सेल में भी आपको ये पता चलेगा कि 5% की सेल इतनी है, 12 कितनी, 18 कितनी और टैक्स फ्री कितनी। लेकिन अगर बात करें कॉमोडिटी वाइज की तो कॉमोडिटीज वाइज आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा भी इस बिज़नेस में कितने टाइप की कॉमोडिटी यूज़ हो रही है, यानी कि इसमें कितने टाइप के ट्रेडिंग अकाउंट आपके बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट रोल करता है एक प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में। क्योंकि अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता चलेगा, आप ये तो करोगे भी दोनों में जब परचेज की अमाउंट सेम है, सेल की अमाउंट सेम है, ग्रोस प्रॉफिट सेम आ रहा है तो डिफरेंस किस चीज़ का हो गया। डिफरेंस हम बात नहीं कर रहे, फिर कोई फिगर की डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक प्रोफेशनल यानी कि एक प्रैक्टिकली रूप से अकाउंटिंग मेंटेन होती है उसमें लेज़र किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं और उसमें जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं जो हम एंट्री करते हैं परचेज या सेल की, तो वो एंट्री किस तरीके से की जाती है, तो वो आज आपको मैं प्रैक्टिकली में दोनों में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। तो अगर हम बात करें परचेज की और सेल की अमाउंट की तो सेल और परचेज हमारी दोनों अमाउंट बराबर मैच हो रही है, आप इस कंपनी में भी देख सकते हो। इसमें भी हमारी 40,777.57 रुपये की सेल आ रही है और इसी कंपनी में भी 40,777 रुपये की 57 की, यानी कि दोनों कंपनी हमने सेम रिकॉर्ड मेंटेन किया है। और सबसे पहला डिफरेंस आपको यही पता चलेगा भी आप जो सेंटर पे जो टैली सिखाई जाती है उस इस तरीके से सिखाई जाती है, उसमें इस तरीके से आपको लेज़र क्रिएट करने को बोलेंगे क्योंकि वो बुक्स में भी इसी टाइप के लिखे होते हैं और आपने YouTube पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे उसमें भी आपको इसी तरीके से लेज़र क्रिएट करने बताए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक सेल वाउचर के, हम एंट्री को ओपन करते हैं। मान लीजिए हमने एक सेल मुकेश कुमार का जो वाउचर है ये हमने ओपन कर लिया और जब इसमें हम एंटर प्रेस करते हैं तो आपको जैसे इंटरप्रेस करोगे आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर ली, क्वांटिटी आपने डाल दी, रेट डाल दिया, आप इंटरप्रेस करोगे तो आपके सामने सेल्स वगैरह यहाँ पे सारे लेज़र आ जाएंगे भी आपको जो भी सेल्स जितने परसेंट की सेल है आप यहाँ से सेलेक्ट करके डाल दोगे इसके अंदर आइटम को देख के। तो इस तरीके से तो सबसे पहले जो वाउचर आप सेल की एंट्री करोगे तो आपके सामने ये जो 4 नंबर वाउचर है ये आपको वाउचर है जो हमारा ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल रूप से हमें डालना चाहिए, ये जो 4 नंबर वाउचर आ रहा है। क्योंकि अब अगर हम बात करें इस पे 4 नंबर वाउचर पे तो हमारा अब कर्सर भी नहीं जाएगा क्योंकि इसको हमने ऑटोमेटिक रूप से रखा हुआ है और रियल बिजनेस में यहाँ पे ऑटोमेटिक हटा के हमें मैनुअल रूप से रखना होता है। और सेम वाउचर में आपको हमारी प्रैक्टिकली रूप से जो अकाउंटिंग मेंटेन होती है उसमें भी आपको मैं मुकेश कुमार का जो लेज़र है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेज़र पर जाएंगे।
मुकेश कुमार का लेज़र है, और हमारा जो ये 004 नंबर जो लेज़र है ये लेज़र है। अब ये हमारी जो रियल बिजनेस में जो हमने अकाउंटिंग मेंटेन करी है, ये सारे हमारे बिजनेस के जो रियल वाउचर है इनको देख के सारी अकाउंटिंग हमने मेंटेन की हुई है। मान लीजिए हमारे सामने ये 4 नंबर ये इनवॉइस है मुकेश कुमार का, हमने इस 4 नंबर इनवॉइस मैनुअल रूप से जो इनवॉइस तैयार होता है उस इनवॉइस को देख के हमने यहाँ पे अकाउंटिंग मेंटेन तैयार करी है। अब इसमें जो इनवॉइस नंबर है वो हमारा 004 नंबर आ रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली इसमें देखोगे तो आपके सामने केवल 4 नंबर है, हमें 004 नंबर लिखना चाहिए था, तो ये आपको वहाँ पे हो सकता है न बताया जाए और आप एंटर एंटर करके इसको सेव कर दोगे। CGST SGST टैक्स आप YouTube पे वीडियो देख के या बुक्स में से देख के आप कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दोगे। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल तरीके से, जब हम प्रैक्टिकल तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं उसमें जो हम लेज़र क्रिएट करते हैं, तो हमारा ये लेज़र है जो पूरे प्रोफेशनल तरीके से हमें लेज़र क्रिएट करने होते हैं पूरे नाम के साथ। हमें केवल कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है भी GST 18% की सेल है। अब हमें GST 18% की सेल डालेंगे तो भी वो सेल में ही जाएगी, लेकिन जब हम इसका बुक्स का फाइनलाइजेशन करेंगे यानी कि जब हम इसके ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर हमारे सामने इस टाइप के लेज़र क्रिएट नहीं किए हुए हैं। तो फ्रेंड बहुत ऐसी सारी छोटी छोटी जो बातें होती है जो हमें जो बुक्स के फाइनलाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। अगर आपने अपनी बुक्स को बिल्कुल परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से अगर मेंटेन आपने कर रखा है तो फ्रेंड्स क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। और सेकंड हम बात करते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट की, अगर मैच करें तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा बिल्कुल मैच होएगा यहाँ पे 7281 रुपये और 35 पैसे, और इस बुक्स में भी हमारा 7281 रुपये और 35 पैसे, यानी कि सेम रिकॉर्ड हमारा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन जो बुक्स में लेज़र क्रिएट करने के तरीके वो दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर आपको टैली में जो एंट्री आपने करी है, मान लीजिए आपने जो टैली में एंट्री करी है और आपने टैली में एंट्री करी, सिर्फ आपके सामने कोई भी रियल वाउचर आपके सामने नहीं है, आप एंट्री कर रहे हो अपने F8 में, आपको ये सब कुछ नॉलेज है भी, आप F8 करेंगे हमारी सेल आएगी, F9 करेंगे तो हमारी परचेज एंट्री होगी, ये सब कुछ कमांड सब भी आपको पता है क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे शॉर्टकट दी भी होती है टैली के अंदर। तो आप केवल इसको देख के आप कोई प्रैक्टिकली अकाउंटिंग नहीं सीख पाओगे जब तक आप रियल बिजनेस में रियल वाउचर से आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे टेली में या किसी भी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तब तक आपको प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं मिलेगा। आप केवल आईडिया से एंट्री कर रहे हो, कोई भी आपके सामने लेज़र क्रिएट कर लिया, आपको लेज़र क्रिएट करते हुए कभी आपको ध्यान में रखना चाहिए ये हमारा सेंडरी डेप्टर्स है या हमारा सेंडरी क्रेडिट्स है, फिक्स्ड असेस्ट क्या चीज़ होती है, करंट असेस्ट क्या चीज़ होती है, करंट लाइबिलिटीज क्या चीज़ होती है, अनसिक्योर्ड लोन क्या चीज़ होते हैं, तो इन बातों का भी आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना ज़रूरी है। केवल कंपनी क्रिएट करने से या लेज़र क्रिएट करने से या कोई टैली में कोई एंट्री करने से आप कोई परफेक्ट या प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं बनते, आपको मैनुअल रूप से भी आपको प्रैक्टिकली अकाउंटिंग आनी चाहिए, आपका प्रैक्टिकली अकाउंटिंग बेस आपका मजबूत होना जरूरी है। बात करें दोनों कंपनियों में बैलेंस शीट की, तो हम जब बैलेंस शीट ओपन करेंगे दोनों अलग अलग कंपनियों में, और एक हमारी इस कंपनी में भी हम बैलेंस शीट को ओपन करते हैं और इसको एल्टाफ फुल डिटेल के साथ ओपन करते हैं और इसको भी एल्टाफ डिटेल के साथ, तो इसमें भी टोटल हमारा दोनों का सेम आ रहा है 1,34,218 रुपये और 10 पैसे, और इस कंपनी में भी हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है 1,34,218 रुपये 10 पैसे। तो डिफरेंस अगर हम बात करें बिट जो टैक्स के लेज़र हम क्रिएट करते हैं CGST SGST और IGST की, तो जो आपको सेंटर पे जो टैली सिखाई जाती है तो वहाँ पर आपको जो लेज़र क्रिएट करोगे आप, तो वहाँ पर केवल CGST IGST और SGST के आप लेज़र क्रिएट करोगे, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से हमें इन दोनों को जो हमारे इनपुट्स लेज़र है वो उनका अलग लेज़र क्रिएट करना चाहिए, और जो आउटपुट हमारी जो सेल पे जब टैक्स क्रिएट लगाते हैं तो वो आउटपुट्स के नाम से अलग से लेज़र हमें क्रिएट करने चाहिए। तो इससे हमारा क्या होएगा, अब हालांकि दोनों का अगर प्लस माइनस करेंगे तो बिल्कुल बराबर आएगा जो हमारा इस बुक्स में आ रहा है, यानी कि जो नेट डिफरेंस है वो 5,516 रुपये 86 पैसे का जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा, यानी कि ITC हमारा इतना रहेगा, और इसमें से अगर हम प्लस माइनस की अगर हम बात करें यानी कि डेबिट हमारा आ रहा है 9,924 रुपये 21 पैसे और क्रेडिट जो आ रहा है 3,807 रुपये और 35 पैसे, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट उतना ही रहेगा, लेकिन जब हमें GST की ऑडिट के लिए या जब GST का जब हम कोई कॉम्पिटिशन तैयार करते हैं तो हमें इनपुट मारा कितना रहा है आउटपुट हमें कितना रहा है तो हमें अलग अलग मालूम पड़ जाता है। अगर आप इसमें अगर देखोगे तो आप इस लेज़र पे जब इंटर प्रेस करोगे तब जाके आपको पता चलेगा भी हमारा जो CGST टैक्स है वो डेबिट इतना है और क्रेडिट इतना है,
लेकिन आपको फर्स्ट टाइम की स्क्रीन पे आपको ये नहीं पता चलेगा अभी इसमें डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है। यहाँ पर आपको केवल जो नेट डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट का प्लस माइनस करने के बाद में वो आपको यहाँ पे शो होगा। और इस बुक्स के अंदर अगर हम बात करें प्रैक्टिकल रूप से तो यहाँ पर आपको सब कुछ ये पता चल जाएगा कि आपका जो डेबिट साइड का जो डेबिट है CGST SGST IGST डेबिट इतने और क्रेडिट इतने। तो फ्रेंड ये सब कुछ डिफरेंस रहता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें प्रैक्टिकली रूप से करनी होती है और कुछ होती है जो सेंटर पे जो टैली सिखाते वक्त हमें बता दी जाती है लेकिन उसका प्रैक्टिकली रूप में कोई यूज़ ही नहीं होता। और जो एक्चुअली रियल बिजनेस में जिन जिन प्रैक्टिकल बातों का हमें ध्यान होना चाहिए वो एक्चुअल में सेंटर पर बताए नहीं जाते। तो इसलिए जो हमें व्यवहारिक यानी जो प्रैक्टिकली ज्ञान मिलेगा वो या तो किसी प्रोफेशन के अंडर में सीखने को मिलेगा या किसी इंस्टीट्यूट पे जब आप सीख रहे हो अगर वहाँ पे जो ट्रेनर है या फिर वहाँ पे जो ट्यूटर हैं टेली के या अकाउंट्स के अगर वो खुद अकाउंट्स मेंटेन करते हैं साथ या इनकी खुद को उनको अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है तो वो आपको अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से अकाउंटिंग सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको क्या कुछ सीखना चाहिए था और क्या कुछ आप सीख रहे हो। आपको जब भी आप अकाउंटिंग सीख रहे हो या टेली सीख रहे हो किसी भी सेंटर पे जाके तो वहाँ से आप इन जो प्रैक्टिकल रूप से जो वाउचर होते हैं इन वाउचर की आप रिक्वेस्ट जरूर करिए भी आप हमें ये वाउचर प्रोवाइड करवाइए हम इन वाउचर को देख के अकाउंटिंग सीखेंगे। अगर आपके सामने कोई अकाउंटिंग वाउचर नहीं है अगर आप बेतुकी एंट्री कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं है। जब तक आप इस वाउचर को देखोगे आप इस वाउचर को समझोगे इस वाउचर क्यों बनाया गया है किस लिए बनाया गया है किस पार्टी ने हमें इश्यू किया है इस वाउचर को देख के किसको डेबिट करेंगे किसको हम क्रेडिट करेंगे तब तक आपको टेली या बिजी सीखने में कोई बेनिफिट नहीं है इसका कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स अच्छी जॉब के लिए आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। किताबी नॉलेज के लिए आपको किसी सेंटर पर एडमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है किताब को देख के तो आप अपने घर पर भी आप टेली सीख सकते हो। तो टेली सीखना कोई कंपलसरी नहीं है क्योंकि आपको ज़रूरी ये भी नहीं है कि आज आपने अकाउंटिंग सीख ली तो आपको जॉब टेली में मिलेगी। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है हो सकता है आपको सीखा आपने टेली है और जब भी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको मिल गया लेकिन आपका अकाउंटिंग बेस अगर मजबूत है तो आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिकली रूप से कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स टेली के साथ सिखाएंगे।